अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, काम जो है ख़त्म हो गया, खाना भी बना लिया, अपना रूम भी मैंने साफ़ कर लिया है और अली को नहलाया, अली को भी सुला दिया मैंने। तो जो है ना, सब काम ख़त्म हो चुके हैं। और शाहरुख के साथ गई थी मैं बाहर, थोड़ा सा काम था वो किया, और बाकी बस सब काम हो चुके हैं। अभी मैं बैठी हूँ, तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें, और दिलबर को भी अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, बाबर को भी अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, और नैना को, सब बच्चों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। जो छोटे बच्चे हैं सबको मीर हमज़ा दुआ रानी फादिया बड़ाली छोटाली सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। और नैना को भी अल्लाह पाक खैरियत से ले आए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। और बाकी ये बातें जो है ना वो तो होती रहेंगी। चलें जी, मैंने नाश्ता बनाया है, दाल और साथ में सादा रोटी। तो नाश्ता करते हैं और साथ में चाय भी है, तो कमरे में लेके चलती हूँ और कप में चाय डालनी है बस। तो कमरे में लेके चलती हूँ कि अली ना उठ जाए, अली उठ जाता है तो फिर वहाँ पे जाके मैं नाश्ता करती हूँ। क्या हुआ रानी को, क्यों तंग कर रहे हो? हाँ, मेरा दूध पी रहा था। आपका दूध पी रहा था? उसका फीडर ले रहे थे? हाँ, रानी बेचारी इधर छुप गई जाके, उसके पीछे क्यों लगे हुए थे? हाँ, दूध तो अभी पिया आपने। हाँ, उसका क्यों छीन रहे थे? लड़ाई करते हो? हाँ, क्यों करते हो? हाँ, रानी बेचारी थक गई, आखिर भाग के उधर जाके सोई है। ये उसको तंग करते, चाहे उसको ऐसे ऐसे काटता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है ना, रानी का छीन लेता है दूध। ये रानी का हाथ पकड़ के उसको काटी करता है ना। चाय जो है मेरी तैयार हो चुकी है, अब मैं कप में डालूंगी। ये रात को मैंने बनाई ग्रीन टी, मैंने तो नहीं पी, बस मैं अपनी चाय बना रही हूँ। अभी सुबह हो गई है, रात को बस जल्दी सो गई थी, सर में दर्द हो रहा था, जल्दी सो गई हूँ। और आज मैं बना रही हूँ दाल, दाल मैंने भिगो के रखी है, हरा धनिया और कड़ी पत्ता भी मैं लाई थी रात को, टमाटर दही अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें लाई थी। तो अभी जो है मैं दाल पकाऊंगी, क्योंकि गैस भी आ रहा है, तो चलिए खाना भी बना लेते जल्दी से। कप में चाय निकाल ली, अब कमरे में लेके चलती हूँ। दाल को भी मैं रख रही हूँ, पानी मैंने निकाल दिया था, दाल भिगो के रखी थी और प्याज भी काट के रखे थे। चले जी, अभी जो है ना दाल जो है तैयार होने वाली है। अभी मैंने दही भी डाल दी है, पहले मैंने उसमें डाला था नमक, नहीं नमक नहीं डाला था, लाल मिर्च हल्दी और पानी जैसे जोश आया था उसमें मैंने प्याज भी डाल दिया था। और उसके बाद दाल को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था, तो दाल जो है ना ये देखिए कैसे अच्छे से गल चुकी है। और अभी जो है मैं इसको फोट लूँगी, ये देखें ऐसे करते हैं, तो ये जो है मिक्स हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो पहले पानी को जैसे जोश आया, लाल मिर्च और मैंने हल्दी डाल दी थी, इसके बाद दाल को मैंने डाला, फिर प्याज मैंने थोड़ा सा कट करके डाल दिया था। तो ये जो है ना इसको हल्के आँच पर मैंने पकाया है, ये अच्छे से गल चुकी है और अभी मैं बनाऊँगी। गल चुकी है, अभी मैंने डाली है दही, तो दही भी पक जाएगी, फिर इसके बाद मैं तड़का लगाती हूँ उसको।
यहाँ पे कड़ी पत्ता, लहसुन, हरा धनिया, ये चीज़ें मैं ले आई थी, और गोल मिर्च है लाल वाली, और ज़ीरा, तो उसका तड़का लगाती हूँ। तो दाल जो है पक चुकी है, अभी मैं डालूँगी कनौर क्यूब्स, ये देखिए ये डालूँगी, एक ही डाल दूँगी, काफ़ी है। तो दाल जैसे पक जाती है तो इसको भी थोड़ी देर मैं पकाऊँगी, फिर डाल के इसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ तड़का, इसमें मैंने गोल मिर्च डाली है, कड़ी पत्ता डाला है, और लहसुन डाला है, और ज़ीरा डाला है। तो इसके बाद ये थोड़ा सा पका कर मैं इसमें हरी मिर्चें भी काट लगा के वो भी डाल दूँगी, तो इसका तड़का बनाऊँगी। फिर उसके बाद हरा धनिया वॉश करके कट करके वो भी मैं दाल में डाल दूँगी, फिर तड़का भी ऊपर से डाल दूँगी। तो दाल जो है हमारी तैयार होने वाली है। कब इसे मुझे बोल रहे थे, काफ़ी लोगों ने बोला था कि दाल की रेसिपी शेयर करें, तो आज जो है मैंने कर दी है। और ये देखिए दाल हमारी तैयार हो चुकी है, और ये देखिए अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। ये देखिए लाइट खोल देती हूँ, ये देखिए अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। जो है बस तड़का ही लगाऊंगी, बाकी सब तैयार है। और दाल को जो है मैं हटा देती हूँ, और तड़का तैयार होगा। अभी जो है ना गैस आ रहा है, सुबह सारा दिन फिर बड़ा मसला पड़ता है, नहीं होता तो फिर जो है मैं इस पर ढक्कन लगा देती हूँ। तो तड़का जो है अभी तैयार होने वाला है, ये देखिए तड़का लगा देते हैं। तो खुशबू जो है ना बहुत मज़े की आ रही है, और देखें चलें जी, अभी जो है ना धनिया भी, हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है। तो ये देखें हमारी दाल, ये बहुत ही मज़े की बनी है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो इसको एक घंटा जो है ना पहले मैंने भिगो के रखा था, फिर मैंने इसको पकाया, जो भी है आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो बहुत ही मज़े की बनी है ये देखें, और ये मिक्स हो चुकी है। तो अभी मैंने धनिया भी मिक्स कर दिया है। चले तो अभी रोटी बनाएंगे बस, बाकी सब तैयार है। तो अभी जो है मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ,
चलिए जी, खाना भी मैंने पका दिया है और चलिए जी, खाना भी तैयार हो गया है। और इसके अलावा देखिए, किचन भी मैंने साफ कर लिया वॉश करके, और ये सारा साफ कर दिया है बस। तो अब चलती हूँ कमरे में, और मुझे थोड़ा सा काम है, काम वहाँ पे जाऊँगी वो काम करके, फिर मैं आती हूँ घर। अभी सो रहा है तो मैं फिर चली जाती हूँ। जी, राजा ने नहा लिया है, तैयार हो गया है, तो अभी ये जा रहे हैं मेरे साथ। अभी हम बाहर जा रहे हैं किसी काम से, तो मेरे साथ जाएगा। चादर देखो सारी बेड की इकट्ठी कर देता है, ऊपर ऊपर खेलता रहता है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई, सुबह मैंने एक वीडियो देखी, तो मेरा दिल बहुत दुखा उस वीडियो से। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसी बात क्यों हुई है कि जो है ना, बीच में कोई लड़वा रहा है, और ये तीसरा बंदा कौन है। तो ये तीसरा बंदा जो बना है, प्लीज़ ये बता दें कि तीसरा बंदा कौन है, और कौन ये इन दोनों की लड़ाई करवा रहे, समिया और फातिमा की। तो वो भी बता दें कि यार करते जाए, जो भी है तो करते जाए, फिर ऐसे ना क्या कहते हैं, परेशानी होती है, दिल दुखता है। तो उससे अच्छा है कि क्लियर करते जाए आप। और बस यही बोलूँगी, अल्लाह सबको हिदायत दे, और इतना अकल दे के इस बात जो है सोच समझ कर करनी चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रही कि किसका नाम लिया गया है। चलिए अगली वीडियो में वो क्लियर करेंगे कि कौन है, जो भी होगा। लेकिन इस चीज़ से मुझे बहुत टेंशन हुई है। अब क्या कह सकती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। और नैना भी बहुत जल्द आ जाएंगी, और क्या कहते हैं, हाँ नैना से भी बात हुई थी, नैना भी बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। तो
घर भी हम देख रहे हैं नैना का, देखते हैं कहाँ मिलता है, अभी ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलता है तो आप लोगों के साथ वो भी हम शेयर कर देंगे, लेकिन अभी हम ढूंढ रहे हैं। देखें जैसे मैं हूँ ना, मैं अंदर भी ऐसी हूँ, बाहर भी ऐसी हूँ, सबके सामने होती हूँ। मैं अपने दिल में कोई भी बात नहीं करती, ना मैं किसी की इधर की बात उधर करती हूँ, ना उधर की इधर करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की बातें मैंने बिल्कुल नहीं किया करें, और मुझे बस किसी का पता नहीं चलता कि दिल में क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। लेकिन वो मुझे बहुत कुछ समझा जाते हैं, समझ नहीं आती लेकिन फिर भी समझा जाते हैं, तो फिर भी मैं नहीं समझती, फिर भी बोलती हूँ ये बंदा अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन बाद में मुझे समझ आती है कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, तो काफ़ी देर बाद मुझे पता चलता है, लेकिन फौरन उस टाइम नहीं पता चलता। मैं कहती हूँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो बाद में पता चलता है कि कौन कैसा है। क्या बोलूँ, किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि दूसरी वीडियो में ये प्लीज़ क्लियर कर दें कि जो है ना, ये तीसरा बंदा कौन आया बीच में जो लड़ाई करवा रहा है दोनों बहू की, और वो बता दें, बस मैं ये बोलना चाहूँगी और कुछ नहीं, बस ये बता दें, नाम ले लें ताकि सबको पता चल जाए कि कौन है। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।